नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। योगी आदित्यनाथ सरकार के एक मंत्री के सामने शहजनवा के मार्केटिंग इंस्पेक्टर ठगी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वो पकड़े गए, जिस पर उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी सरकार का साफ और सख्त निर्देश है कि यूपी में किसी भी तरह की लापरवाही या कोई भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाए। लोगों को अगर सुविधाएं पहुंचाने में किसी भी तरह की लापरवाही की गई है या घोटाला किया गया तो उसकी खैर नहीं होगी। इसी कड़ी में जनता तक हर एक सुविधा पहुंचाई जाए, इसकी जाँच खुद मंत्रियों के हाथ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौंप दी है। मंत्री खुद जिलों में जाकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं और सुविधाओं और योजनाओं की जमीनी हकीकत पर रख रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी सरकार के खाद्य रसद और नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा गोरखपुर के शहजनवा के मंडी समिति स्थित खाद्य विभाग के गोदाम पहुंचे। इस दौरान गोदाम से कोटेदार को भेजे जा रहे अनाज को मंत्री जी ने अपने सामने उतरवाया और अपने ही सामने तोल कर आई तो उसमें 1.5 बोरा अनाज कम मिला, यानी तकरीबन 70 किलोग्राम अनाज कम मिला है, जिस पर मंत्री जी ने नाराजगी जताई और साथ ही शहजनवा के मार्केटिंग इंस्पेक्टर पवन कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा लखनऊ से गोरखपुर मंडलीय समीक्षा बैठक करने आ रहे थे, तभी भिटी रावत के पास एक वाहन पर अनाज जाता देखकर उन्होंने वाहन को रुकवाया। चालक ने बताया कि वाहन पर रखा अनाज भिटी रावत के कोटेदार श्याम नारायण गुप्ता की दुकान पर जा रहा है, जिस पर मंत्री राज्य मंत्री ने वाहन गोदाम में ले चलने को कहा। शहजनवा में उन्होंने खाद्य विभाग के गोदाम और क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया और गाड़ी में लदे अनाज को उतरवाया। यहां जांच में 1.5 बोरी अनाज कम मिला। गोदाम के निरीक्षण में कांटा न मिलने पर राज्य मंत्री ने नाराजगी जताई। इस पर अफसरों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कांटा को चार्ज कराया जा रहा है। इसके बाद राज्य मंत्री ने छोटा कांटा मंगवाकर बोरे की तोल करवाई। इस दौरान उन्होंने गोदाम में खाद्यान्न उठान करने वाले 12 से ज्यादा कोटेदारों के अनाज की जांच के साथ ही प्रतिदिन कोटे की दुकान की जांच के निर्देश भी जारी किए। साथ ही कोटेदारों को कंप्यूटराइज चालान पर्ची देने और पूरा विवरण रजिस्टर पर दर्ज करने के निर्देश भी जारी किए गए। उन्होंने क्रय केंद्र पर गेहूँ खरीद देखी। 6 किसानों को देर से भुगतान पर राज्य मंत्री ने अफसरों से सवाल भी किए तो अफसरों ने बताया कि तकनीकी कारणों से देर हुई है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी राकेश मोहन पांडे ने बताया कि तकरीबन 15 से 20 किलोग्राम तोल कम मिली है, जिस पर मार्केटिंग इंस्पेक्टर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इसके बाद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने सर्किट हाउस में पूरे मंडल के अफसरों के साथ बैठक की, जहाँ उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को समय से अनाज का भुगतान हर हाल में मिलना ही चाहिए। क्रय केंद्रों पर बोरे की कमी नहीं होनी चाहिए। सरकारी योजनाओं का लाभ हर लाभार्थी को मिलना चाहिए। कोटेदारों को समय से पूरा अनाज मिले और वितरण पर अफसर लगातार नजर रखें। यदि किसी भी तरह की शिकायत मिलती है तो तत्काल जांच कर आरोपित के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। इस दौरान संभागीय खाद्य नियंत्रक और गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। योगी जी के मंत्री इस बार पूरी तरीके से मुस्तैद है। वो जरा सी भी लापरवाही अपने वादे को पूरा करने में नहीं करना चाहते, जिस कारण मंत्री खुद फील्ड में उतरकर जांच कर रहे हैं और लापरवाही करने वालों को जमकर धो भी रहे हैं, जिससे एक बात तो ये तय हो गई है कि इस बार 2024 में यूपी में बीजेपी इतिहास जरूर रचेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।